अब बात करेंगे मैच नंबर 43 की, जो कि होने वाला है शाम को 7:30 बजे दुबई में, किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। तो वहीं पे अगर हम डेट का टोटल देख करके चलें, यानी 24 अक्टूबर 2020 की बात करें, तो डेट का टोटल हमें मिलता है 2। वहीं पे अगर हम बात कर लें पहले डेविड वार्नर की, यानी सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान की, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1986। जो टोटल इनका निकल रहा है वो निकल रहा है 7। परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, मगर अगर हम इनकी टीम की बात करें तो टीम जो है काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और इसके साथ साथ पहले 6 ओवर में इस टीम को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, विकेट्स भी गिर सकती हैं, मगर धीरे धीरे करके ये अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी शुरू कर देंगे। अगर हम प्लेयर्स की बात करें सनराइजर्स हैदराबाद से, तो मनीष पांडे हैं, राशिद खान हैं, संदीप शर्मा हैं, ये प्लेयर्स जो हैं अच्छा परफॉर्मेंस सनराइजर्स हैदराबाद से दिखा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके अगेंस्ट खेलने वाली टीम की, यानी केएल राहुल की टीम की, यानी किंग्स इलेवन पंजाब की, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो बन रही है वो बन रही है 18 अप्रैल 1992। अगर इनका भी टोटल देख करके चलें तो इनका भी टोटल हमें 7 मिल रहा है, यानी केतु का इनका भी नंबर है। वहीं पे अगर इनकी कुंडली की बात करें तो इनकी जो कुंडली है वो है धनु लग्न की, और इसके साथ साथ राशि जो है इनकी वो है तुला। शनि में शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा भी शनि की चल रही है, और साथ ही साथ अगर प्राण दशा की बात करें जो कि इस मैच के समय पर चल रही होगी, तो वो मंगल की चल रही है। मंगल इनका बैठा हुआ है पराक्रम भाव में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस मैच में ये काफी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, एक हद तक अच्छा स्कोर भी बना सकते हैं इस मैच में। और अगर हम बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की, तो परफॉर्मेंस जो है काफी हद तक अच्छा दिखाएंगे, प्रदर्शन अपना पूरा बेस्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, रन भी ये लोग काफी हद तक अच्छे बना सकते हैं। और अगर प्लेयर्स की बात करें कि कौन से प्लेयर्स जो हैं अच्छा मैच अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, तो क्रिस गेल हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं और रवि बिश्नोई हैं, ये जो प्लेयर्स हैं ये किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और केएल राहुल का प्रदर्शन बहुत ही उम्दा होगा इस मैच में। अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो बैटिंग कौन सी टीम करेगी, तो बैटिंग करने के चांसेस जो हैं सनराइजर्स हैदराबाद के पहले दिख रहे हैं, मगर जो किंग्स इलेवन पंजाब है ये जो रन है स्कोर जो होगा सनराइजर्स हैदराबाद के बनाया हुआ वो चेस करने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। तो विनिंग टीम जो इस मैच में रहेगी, मैच नंबर 43 में, वो किंग्स इलेवन पंजाब के रहने के चांसेस हैं। तो ये हमने बात करी जनरल प्रेडिक्शंस की, और भी ऐसे प्रेडिक्शंस जानने के लिए देखते रहिए एस्ट्रो तक तक ऐप डाउनलोड करके, यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय श्री राम।